নিজামুদ্দিন জামাতলৈ যোৱা অসমৰ 13 জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। মুৰাদাবাদত আছে অসমৰ 13 জন ব্যক্তি, মুৰাদাবাদত 13 জনকে ৰখা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনত। পুনৰবাৰ জনাইছো, ইতিমধ্যেই অসমত 16 জনক চিনাক্ত হোৱাৰ পিছত বৰ্তমান আন 13 জন নিজামুদ্দিনত থকা অৰ্থাৎ মাৰ্কাজত অংশগ্ৰহণ কৰা 13 জনক চিনাক্ত কৰা হৈছে। তেওঁলোক আছে মুৰাদাবাদত। অসমৰ 13 গৰাকী ব্যক্তি বৰ্তমান মুৰাদাবাদত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু তেওঁলোকক তাতেই কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে। আছুতীয়াকৈ ৰাখি তেওঁলোকক তাতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। কিছুসংখ্যক লোকৰ শৰীৰত এতিয়াও সেই লক্ষণে দেখা দিয়া নাই, কিন্তু লক্ষণে দেখা নিদিলেও এয়া নহয় যে আপোনাৰ শৰীৰত কোভিড-19 নাই। যিহেতু গোলাঘাটৰ যি 8 গৰাকী ব্যক্তি, তেওঁলোকৰ শৰীৰতো কিন্তু লক্ষণে দেখা দিয়া নাই। কোনো ধৰণৰ মূৰৰ বিষ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ জ্বৰ হোৱা নাই বা পানী থকা তেনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ লক্ষণ যিসমূহ প্ৰাৰম্ভিক যিসমূহ লক্ষণে দেখা দিয়ে সেয়া দেখা নাই। তথাপিও কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু বাহিৰৰ পৰা আহিছিল, তেওঁলোকৰ সেয়া দায়িত্ব আছিল যে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগে। কিন্তু সেই নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে। আৰু আন এটা খবৰ আমি জনাইছোঁ যে মুৰাদাবাদত অসমৰ আন 13 গৰাকী ব্যক্তি কোভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ শৰীৰত আৰু তেওঁলোকক তাতেই কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে। यहाँ पे हमने जो पुलिस की खुद की सूचना से इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और आज इनको यहाँ पे आके इनका पहले प्रारंभिक जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया गया। अब इन्हें क्वारंटाइन के लिए भेजा। तो कहाँ के रहने वाले हैं कुछ बताया सर? यहाँ पे जो 13 लोग हैं कोगा साहब की मस्जिद, ये सब असम के रहने वाले हैं 13 के 13, और ये कुछ दिन पहले यहाँ निज़ामुद्दीन में जो मरकज थी उसमें भी शामिल थे। तो सर कुछ सिम्टम्स मिले हैं स्वास्थ्य विभाग को अभी तक? अभी जो इनसे पूछा गया, इन्होंने सभी ने बताया कि ऐसी कोई खांसी या ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, बट इनका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके। दिल्ली मरकज में तबलीगी जमात के लोगों के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी है। आप देख सकते हैं 2 एम्बुलेंस में भरकर तमाम अधिकारी यहाँ से उन लोगों को लेकर गए हैं जो दिल्ली मरकज से यहाँ तबलीग के काम से आए थे, मुरादाबाद की इसी गली में यहाँ रुके हुए थे। और बताया जा रहा है कि इन लोगों ने पुलिस को खुद सूचना दी थी, आज स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ आई और इनकी छानबीन की है। अब इन्हें फिर लेकर गए हैं, इनको आइसोलेशन में रखा जाएगा, उसके बाद इनसे जो इनके अंदर अगर कुछ सिम्टम्स मिलेंगे तो इनका इलाज शुरू किया जाएगा। फिलहाल अभी SP सिटी मुरादाबाद ने बताया है कि ऐसे 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उनको आइसोलेट किया जा रहा है, अगर उनमें कुछ सिम्टम्स मिलते हैं तो उनका आगे का इलाज किया जाएगा। और इतिमध्ये जनाइछो जे बर्तमान आन एक गुरुत्वपूर्ण खबर आहि पड़िछे।